हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्य, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों, जैसा कि हम पेपर फाइव पर बात कर रहे हैं और पेपर फाइव में हम बात करेंगे आज करिकुलर डोमेन्स रेलेवेंट्स फॉर प्री प्राइमरी, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम के जो कार्य क्षेत्र हैं या हम विशिष्ट समूह कह सकते हैं, उन कार्य क्षेत्र या विशिष्ट समूह या पाठ्यक्रम के प्राथमिक शिक्षा के लिए जो भाग हैं उन पर बात करेंगे। जैसे कि तीन भाग हैं दोस्तों, होम बेस्ड, स्कूल बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों प्राथमिक शिक्षा के जो तीन भाग कार्य क्षेत्र हैं या हम एक ये विशिष्ट समूह बोल सकते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या है कि हम बात कर रहे हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की। तो जो हमारे स्पेशल नीड चिल्ड्रंस है दोस्तों, उनके लिए हम किस प्रकार से प्राइमरी लेवल पर पाठ्यक्रम तैयार करके उनको अलग अलग भागों में बांटकर एक विशिष्ट रूप के समूह में हम किस प्रकार सर्विसेज दे सकते हैं दोस्तों। तो उन्होंने बोला है कि करिकुलर डोमेन्स रेलेवेंट्स प्री प्राइमरी सर्विस, यानी कि पाठ्यक्रम शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम के भाग या कार्य क्षेत्र, क्योंकि वो कह रहे हैं रेलेवेंट्स फॉर प्री प्राइमरी सर्विस। तो किस प्रकार से हम उनको पाठ्यक्रम द्वारा उनको हम सर्विसेज दे सकते हैं तैयार करके, तो दोस्तों इसमें तीन प्रकार से हम दे सकते हैं, तीन समूह या तीन भाग कह सकते हैं या तीन कार्य क्षेत्र है जिन पर हमारा विशिष्ट जो समूह है वह काम करेगा। तो होम बेस्ड, स्कूल बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड। अब दोस्तों प्री प्राइमरी लेवल पर जो बच्चा है, होम बेस्ड सबसे पहले देख लेते हैं, गृह आधारित, जो गृह आधारित प्रोग्राम होगा हमारा, या हम कह सकते हैं गृह आधारित जो हमारा एक पाठ्यक्रम है हम तैयार जो कर रहे हैं, होम बेस्ड करिकुलम बोल सकते हैं दोस्तों इसको। तो जो होम बेस्ड करिकुलम है वह हम कैसे उस पर फॉलो करेंगे दोस्तों, होम बेस्ड यानी कि गृह आधारित, हम इसमें क्या करेंगे, हमारा जो एक विशिष्ट व्यक्तियों का समूह है या हम कह सकते हैं जो हमारी जो एक बहु अनुशासित जो समूह है जिसे हम मल्टीपल डिसिप्लिनरी टीम बोल रहे हैं दोस्तों, वह टीम जाकर या हम कह सकते हैं जो ग्रुप वर्क है दोस्तों, समूह कार्य जो कर रहे हैं उन, वे क्या करेंगे, बच्चे के घर पर जाकर बच्चे को सर्विसेज देंगे, विशेष शिक्षा के लिए उनको प्लानिंग देंगे, पाठ्यक्रम योजना बनाएंगे। तो बहु अनुशासित जो समूह है वह क्या करेगा, बैठकर एक पाठ्यक्रम योजना तैयार करेगा। तो गृह आधारित दोस्तों बच्चे के घर जाकर, अब ऐसा नहीं हम प्रत्येक बच्चे के घर जाएंगे, हम उस बच्चे के घर जाएंगे जो हम कह सकते हैं विद्यालय से बहुत दूर है, जो विद्यालय नहीं आ सकता या किसी केंद्र तक नहीं पहुंच सकता शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ये वहां नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, या हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है और वह पहाड़ी क्षेत्र में रहता है, तो वह पहाड़ी क्षेत्र से स्कूल तक नहीं आ सकता है, तो उस बच्चे के लिए हम ये सर्विसेज देंगे। जहां पर हमारा समूह जाता है और जहां उस समूह में हमारा बहु अनुशासित समूह, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल डिसिप्लिनरी टीम, जो है बहु अनुशासित शासित बहु अनुशासित समूह दोस्तों, इस समूह में सभी होते हैं बच्चों को सेंटर्ड मानकर, इसमें हम कह सकते हैं बाल रोग विशेषज्ञ होगा, मनोवैज्ञानिक होगा, इसमें परामर्शदाता होगा और विशेष शिक्षक होगा, भाषा चिकित्सक होगा, भौतिक चिकित्सक होगा, व्यवसाय चिकित्सक होगा। तो ये एक मल्टीपल डिसिप्लिनरी टीम है, बहु अनुशासित समूह है, जो मिलकर बच्चे के घर जाकर बच्चे के लिए पाठ्यक्रम योजना तैयार करेगा और बच्चे पर फॉलो करेगा दोस्तों। फॉलो करने का काम भ्रमणशील शिक्षक का रहता है, भ्रमणशील शिक्षक। तो क्या करेगा शिक्षक दोस्तों, घर जाकर उसको प्लानिंग बताएगा, फॉलो कराएगा और
अवेयर कराएगा उसको, उसके परिवार से, उसके आसपास के लोगों से, और उसके जो परिवार में जितने भी सदस्य हैं उसके बारे में उन्हें अवेयर यानी कि जागरूक कराएगा दोस्तों। तो होम बेस में हम क्या करते हैं, हमारी बहु अनुशासित समूह जो है वह जाता है और बच्चे के लिए कार्यक्रम योजना तैयार करता है, एक पाठ्यक्रम तैयार करता है, जिसके द्वारा घर पर बच्चे को गृह आधारित पाठ्यक्रम बनाकर बच्चे के साथ कार्य किया जाता है दोस्तों। दूसरा है स्कूल बेस्ड यानी कि विद्यालय आधारित। अब एक चीज दोस्तों इसमें और बता दें कि जो गृह आधारित है पाठ्यक्रम है, जो कार्यक्रम बनाया जा रहा है वह डेली बेसिस पे होता है, डेली प्रोग्राम या फिर वीकली चलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, डेली या वीकली यानी कि कुछ क्या होंगे, कुछ एक्टिविटीज होगी बच्चे की डेली होगी दोस्तों, जिसमें हम कह सकते हैं पर्सनल स्किल हो गया, सोशल स्किल हो गया, अब हम कह सकते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, या हम कह सकते हैं कुछ अलग अगर एक्टिविटी होगी तो वीकली भी हो सकती है दोस्तों। इसलिए जो होम बेस्ड प्रोग्राम जो है इसमें दो तरीके से प्रोग्राम चलाए जाते हैं, यानी कि दो भागों में बांटकर कुछ डेली कराए जाते हैं और कुछ वीकली कराए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है स्कूल बेस्ड यानी कि विद्यालय आधारित। अब विद्यालय आधारित एक ऐसा प्रोग्राम है दोस्तों, विद्यालय आधारित करिकुलम हम बोले, यानी कि विद्यालय आधारित पाठ्यक्रम जो है, जो एक तो डेली हम जिसको यूज करते हैं, डेली बनाते हैं दोस्तों। अब डेली बनाने में क्या है दोस्तों कि हम बच्चों को जो कार्य योजना बना रहे हैं, जो प्रोग्राम बना रखा है हमने, वह प्रोग्राम हम डेली बनाएंगे, यानी कि डेली बच्चे को सर्विसेज देंगे, डेली की नई नई क्रियाकलाप तैयार करेंगे, डेली नई नई योजनाएं बनाएंगे। तो ये डेली बेसिस पे कि बच्चे के साथ डेली काम होगा इसमें स्कूल बेस्ड में। और स्कूल में क्या होगा दोस्तों, अब तक क्या है बहु अनुशासित समूह घर जाकर कर रहा था, लेकिन विद्यालय आधारित कार्यक्रम में क्या होगा, विद्यालय आधारित पाठ्यक्रम में क्या होगा, बच्चे को विद्यालय में ही क्या होगा उसके लिए विशिष्ट रूप से एक क्या है, एक जो टीम है दोस्तों, वह टीम बच्चे को कार्य योजना बनाएगी। और स्कूल में बारी बारी सभी कार्यक्रम कराए जाएंगे, सभी क्रियाकलाप कराया जाएगा और बच्चे को डेली सर्विसेस मिलेगी इसमें। और इसमें भी हमारे सभी विशेषज्ञ एक साथ मिलकर काम करते हैं, मिलकर कार्य योजना बनाते हैं। तो गृह होम बेस्ड में क्या हो गया, घर जाकर कर रहे हैं जिसमें डेली और वीकली कराया जा रहा है। स्कूल में क्या हो रहा है दोस्तों, स्कूल में डेली हो रहा है और सभी विशेषज्ञ मिलकर योजना बना रहे हैं और प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और एक साथ कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों कम्युनिटी बेस्ड। अब समुदाय आधारित क्या है दोस्तों, समुदाय आधारित पाठ्यक्रम या समुदाय आधारित कार्यक्रम दोस्तों। समुदाय आधारित क्या हो जाता है कि हम वहां पर इस पाठ्यक्रम को या इस क्षेत्र को, इस कार्य को हम उस जगह फॉलो करेंगे जिस जगह स्कूल नहीं है, या जिस जगह बच्चा एवल तो है, पढ़ना चाहता है या वह कुछ करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा रहा है, शिक्षा संस्थान की वजह से हो गया, विशेष विद्यालय की वजह से हो गया, या हम कह सकते हैं कि बच्चे की आर्थिक स्थिति है जिससे वह नहीं कर पा रहा है, तो समुदाय आधारित पाठ्यक्रम में क्या होगा या समुदाय आधारित कार्यक्रम में क्या होगा दोस्तों, हमारा जो बहु अनुशासित समूह है वह समूह समुदाय में जा करके, यानी कि समुदाय में जा करके बच्चे को सर्विसेज देगी, बच्चे से गेट टुगेदर करेगी और बच्चे की सारी समस्याओं को जानेगी, आकलन करेगी, फिर योजना बनाएगी, लक्ष्य चयन करेगी, उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट करेगी यानी कि कार्यक्रम लागू करेगी, फिर मूल्यांकन करेगी, फिर फॉलो अप करेगी। तो समुदाय आधारित दोस्तों उन बच्चों के लिए है जो स्ट्रीट चाइल्ड हो गए, या हम कह सकते हैं जिन्हें जाने का मौका नहीं मिल पा रहा है, जिन्हें विशेष विद्यालय उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, या ऐसी स्थिति है कि बच्चे कहीं से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों होम बेस्ड में क्या है दोस्तों, अब है समुदाय में कहां जाएगी हमारी टीम, तो समुदाय में हो सकता है दोस्तों आंगनवाड़ी हो गई, आंगनवाड़ी हो गई, या प्राथमिक विद्यालय हो गए, प्राथमिक विद्यालय हो गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से वो जाएगी और समुदाय में कहीं भी मतलब कोई एक केंद्र होगा, कोई भी शिक्षा संस्थान मान लीजिए आप, शिक्षा संस्थान जहां पर क्या होगा बच्चों को शिक्षा दी जा रही होगी, वहां पर समुदाय में जाकर, या हम कह सकते हैं समुदाय में जाकर
जो शिक्षक है हमारा, जो भ्रमणशील शिक्षक है, वह जाकर बच्चों को असिस्त करेगा, देखेगा उनकी आवश्यकताओं को पहचानेगा, और हमारी बहु अनुशासित टीम जाकर उन बच्चों की कार्य योजना बनाएगी, पाठ्यक्रम तैयार करेगी और उनको क्या है सर्विसेज दी जाएगी। दोस्तों इसमें एक ये है कि इसको डेली भी होता है इसमें, और वीकली भी कराया जाता है ये, और मंथली भी कराया जाता है ये तीनों, मतलब कि डेली भी करा सकते हैं इसमें, वीकली भी करा सकते हैं और मंथली भी, यानी कि पाठ्यक्रम जो कार्यक्रम रहेगा हमारा वह हम डेली बेसिस पे भी करा सकते हैं, योजना बना सकते हैं उसकी वीकली भी और मंथली भी। दोस्तों तो CBR एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं CBR यानी कि समुदाय आधारित पाठ्यक्रम। इस प्रोग्राम को दोस्तों जो कम्युनिटी बेस्ड हमारा जो पाठ्यक्रम है तो इसको CBR यानी कि कम्युनिटी रिहैबिलिटेशन कम्युनिटी CBR कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन यानी कि समुदाय आधारित पुनर्वास। दोस्तों तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि बच्चे को समुदाय में जाकर सर्विसेज देंगे हम, जिसमें हो सकता है कि समुदाय में आंगनवाड़ी केंद्र हो, प्राथमिक विद्यालय हो, कोई भी शिक्षा का संस्थान हो। अब स्कूल बेस्ड में, स्कूल में हम बच्चे को भी सर्विसेज देंगे विशेष शिक्षा की, होम बेस्ड में हो गया कि हम बच्चे को घर जाकर उसको डेली बेसिस पर या हो सकता है वीकली हम जा रहे हैं और बच्चे को प्रोग्रामिंग दे रहे हैं। तो ये तीन प्रकार थे दोस्तों हमारे जो है होम बेस्ड, स्कूल बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया या कुछ डाउट है दोस्तों, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।